हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने रिलेशन टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन टॉपिक पर। एक्सरसाइज हमारी 1.2 एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, और इसमें जितने भी आपके पास एग्जांपल हैं या एक्सरसाइज हैं, स्टार्टिंग की टू एक्सरसाइज, मेनली टू एक्सरसाइजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके क्वेश्चन के, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन आपका। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका टू एक्सरसाइजेस में बनने के चांसेस हैं, बट रिस्क नहीं ले रहा है इसमें जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो थर्ड भी आपको करनी ही करनी चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा कि हमें दो ही करनी है, बस इसके बाद कंटेंट हम देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं करके चलेंगे, है ना। चलिए फंक्शन समझते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, साथ साथ मैं आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि कब बताया है, तो ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी कर ले पैडल, जहाँ पर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप एलजेब्रा एंड फंक्शंस जो कोर्स है वो चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो स्टूडेंट चाहता है कि कंप्लीट सिलेबस हमें करना है, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है एग्जाम्पल फर्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इफ एक्स इक्वल्स टू ए बी सी डी, वाई इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी f1, f2, f3। देखिए आपके पास डोमेन एंड रेंज, x हमारे पास हम पहले को डोमेन कहेंगे, रेंज हमारे पास बाद में आती है, जो कनेक्ट होते हैं यानी कि जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है या जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं इमेज, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास x में नंबर गिवन है a, b, c, d, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले आपको फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। देखिए फंक्शन जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता है कि हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करे, एक्स में कोई भी ऐसा नंबर ना बचे जो वाई के नंबर के साथ कनेक्ट ना हो, फर्स्ट ऑफ। सेकेंड थिंग, जब आप एक्स के नंबर्स को कनेक्ट कर रहे हो वाई के नंबर्स के साथ, तब हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या ध्यान रखना हमें। देखिए हमारे पास लेफ्ट और राइट टू हैंड्स है, है ना। हम जब राइट हैंड की बात करते हैं, यानी मैं इसको ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे ओपन करती हूँ या टू फिंगर्स को ऐसे ओपन करती हूँ, तो मेरे पास ये वाली शेप बनती है, है ना। अगर लेफ्ट हैंड को ऐसे हम ओपन करते हैं फिंगर्स को, तो ये वाली शेप बनती है, ठीक है जी। तो हमेशा क्योंकि राइट इज राइट, राइट हैंड ऑलवेज राइट, तो इसलिए हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, समझ आया। यानी कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज तो हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ अगर मैं ऐसे चलूँ तो ये फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दो नंबर्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ this and this, इस केस में ये फंक्शन है, समझ में आएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि यहां से अगर एक एलिमेंट को आप दो के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। दो ही कंडीशन होती है फंक्शन यहां पे नहीं बनने की, एक तो एक्स के नंबर्स यहां पे, जैसे डी यहां पे मैंने छोड़ दिया, डी की कोई इमेज यहां पे मैंने शो नहीं की, इधर खाली रह सकता है बट इधर खाली नहीं रह सकता, तो यहाँ पे ये फंक्शन बनेगा ही नहीं। सेकंड रीजन क्या होता है फंक्शन नहीं बनने का, कि जो ये वाली शेप बनाता है, ये वाली शेप बनाता है, यानी कि किसी एक नंबर की दो इमेजेस आती है, तब हम कहेंगे फंक्शन नहीं, ठीक है। चलो अब जो हमारे पास यहाँ पे है उसको हम लेकर चलते हैं। क्या कहता है एफ वन को देखते हैं, क्या एफ वन फंक्शन है। F1 को हमें देखना है A 1 के साथ कनेक्ट है, A किससे रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेट कर रहा है, B 1 के साथ रिलेट कर रहा है, C 3 के साथ रिलेट कर रहा है, C 3 के साथ रिलेट कर रहा है, और D 4 के साथ रिलेट कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। अभी तो मैंने बताया आपको कि भाई ये वाली साइड दिस इज ऑलवेज राइट, क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे राइट हैंड करके देखोगे तो हमारी फिंगर्स की ये वाली शेप आती है, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो यहां पर ये फंक्शन बन रहा है, आप यहां पे बताओगे कि f1 इज अ फंक्शन एज
as f of a equals to 1, f of b equals to 1, हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे f की में यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं, या f1 आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, ठीक है, f of f1 c, इसको f1 ले लीजिए, this is 3, f1 d is 4, every element has image in this set, इसमें set 1, ठीक है, एंड ये जो इमेज है ये क्या है, यूनिक इमेज है। देखो ए की केवल एक ही इमेज है, बी की भी केवल एक ही इमेज है, इसलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन बताते हैं ना, तो हम यहाँ पे बताते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा रीजन, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज, ये इसका जो मेन डेफिनेशन है, या आप जो बताएंगे कि फंक्शन क्यों नहीं, दोनों ही कंडीशन इसके अंदर आ जाएंगी, कौन सी भैया, तो ये वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एक क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, आई होप क्लियर हो गया होगा, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे है, तो हम इसको लिख देते हैं यूनिक इमेज, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, एफ टू की बारी आती है, एफ टू सेकेंड पार्ट, एफ टू में आपके पास क्या क्या गिवन है, ये मेरे पास है ए बी सी डी, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, राइट, सो दिस इज एफ टू की अगर मैं बात करती हूँ तो ए किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, बी किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, सी 4 के साथ, ए 2 के साथ, डी 5 के साथ, क्या गलत दिख रहा है यहाँ पे, यह सारा कुछ सही दिख रहा है, देखिए जरा कौन सी शेप आ रही है, लेफ्ट हैंड की ये वाली शेप आ रही है, दिस ए के पास दो इमेजेस हैं, बट हमने कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज, देन एफ टू इज द फंक्शन, ठीक है, तो एक्स के एलिमेंट किस किसी यहाँ पे देखिएगा, एक ही दो इमेज है, यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक का मतलब एक ही इमेज होगी, जैसे कि यहाँ पे थी एक ही, केवल एक ही इमेज, बी की सेम हो सकती है, ए और बी की इमेज सेम हो सकती है, अभी हमने कहा ना कि ऐसे हो सकती है, ये ए और ये बी और ये वन, ये सही है, बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये वाली शेप आ गई मेरे पास, ये ए और ये वन और टू, तो ए के पास तो दो इमेज होगी ना, है ना, तो इधर आप बताओगे हियर हियर एफ ऑफ ए इज 1 एंड एफ ऑफ ए इज 2, दैट इज ए हैज टू इमेजेस, जो y के एलिमेंट होते हैं ना वो x के एलिमेंट की इमेज होती हैं, और y के एलिमेंट की x के एलिमेंट प्री इमेज होते हैं, ठीक है, has two images, so therefore f2 is not a function, f2 क्या है, फंक्शन नहीं है, राइट, थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पे छोड़ देती हूँ मैं, थर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, थर्ड वन इज x और y, इधर मैं लेकर चलती हूँ, a b c d 1 2 3 4 5, क्या कहते हैं, इधर किससे कनेक्ट है, f3 ऊपर दिख रहा है, a 2 के साथ कनेक्ट है, b 1 के साथ कनेक्ट है, c 4 के साथ कनेक्ट है, d 5 के साथ कनेक्ट है, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है, x के सारे नंबर्स की इमेज एग्जिस्ट कर रही है और सबकी एक एक इमेज है, मैंने कहा यहाँ पे खाली रह सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ नहीं खाली रहना चाहिए, सो हियर एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y, सो देयरफॉर f3 इज अ फंक्शन, क्या बन जाएगा, ये फंक्शन, अंडरस्टैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल क्या कहते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जामिन द रिलेशन एंड स्टेट वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, आपको बताना है कि ये फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे पहले वाला जब हमने एग्जांपल किया तो वहां पे आपको फाइनाइट सेट्स गिवन थे, एक्स और वाई के फाइनाइट नंबर गिवन थे ना, यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं, सोल्यूशन हमें करना है, फर्स्ट हमें बोला गया वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जो मेरे पास x के जो नंबर्स हैं, देखिए x की जो वैल्यूज होगी, x किसमें बिलोंग करेगा, डोमेन में बिलोंग करेगा, है ना। y जो वैल्यू देगा वो किसकी वैल्यू होगी, वो कोडोमेन की वैल्यू होगी, कोडोमेन। अगर मैं कैपिटल x ले लेती हूँ, कैपिटल y ले लेती हूँ, ठीक है। इधर आपको ये चेकआउट करना है क्योंकि हम रियल नंबर्स पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। रियल नंबर्स पर चेक कर रहे हैं कि हर एक रियल नंबर के लिए क्या मुझे y की वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। वन माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो रूट में जो मेरे पास कंडीशंस होती है ना, कौन सी, जो रूट वाली जो वैल्यू होती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी y डिफाइन करेगा, y की रियल वैल्यू हमारे पास आएगी। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर लेस देन वन इंप्लाइज दैट, आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, यानी कि वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो था। अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो सिंबल चेंज हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे x माइनस वन एक्स प्लस वन, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ये आपके पास इनक्वालिटी आती है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस वन से वन तक लाई करती है, ठीक है। ये कुछ एक रूल्स है जो साथ साथ नोट करेंगे। अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन जीरो है, इट मीन्स x लाइज बिटवीन ए टू बी, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी से लेस होनी चाहिए, ठीक है। इसमें छोटा कौन होगा, छोटा कैसे पता चलेगा हमें, x माइनस वन को इक्वल टू जीरो पुट करो, x प्लस वन को इक्वल टू जीरो पुट करो, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी, इधर से वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू वन, यहाँ से वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन छोटा हुआ ना, तो x माइनस वन टू वन लाई करेगा, राइट। आप समझो इस चीज को, हमने क्यों बताया ये, हमने कहा कि y इज डिफाइंड फॉर जब रूट के अंदर की जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव होगी तो y मुझे इमेज एंट्री मिलेगा, समझ में आया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू माइनस वन से वन, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे सारे नंबर्स आएंगे इनके बीच के जितने भी हैं माइनस वन से वन, इसके ऊपर जब भी आप जाओगे, मैं यहाँ पे माइनस टू ले लेती हूँ, इधर जब हम आएंगे माइनस वन से, ये वन हो गया मेरे पास वन, और आगे चलेंगे थ्री अप टू सॉम चलता रहेगा, पूरी रियल लाइन हमने यहाँ पे ली है ना। तो यहाँ पर जब आप माइनस टू पुट करते हो, अगर मैं x को माइनस टू या फिर टू पुट करते हो, तो मुझे ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, तो मुझे y मिलेगा, y इक्वल्स टू रूट ऑफ वन माइनस फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, दिस इज रूट थ्री आएगा, यानी कि y डिफाइन ही नहीं होगा इस वैल्यू पे। y डिफाइन कब हो रहा है, जब x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करेंगी, तभी y डिफाइन होता है। y की वैल्यू मुझे फाइनाइट मिलती है, रियल मिलती है, अदरवाइज मुझे ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा, समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस वन से वन तक, माइनस वन से वन तक ये जो आपके पास नंबर्स है, जितने भी रियल नंबर्स है माइनस वन से वन के बीच में, इन सब की इमेज एग्जिस्ट करेगी, इन सब की इमेज एग्जिस्ट करेगी, बट इसके ऊपर जितने भी नंबर रहेंगे वन के बाद, जितने भी नंबर बच गए किसमें, एक्स एक्स में, इनकी तो इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो जब भी मुझे इसको बताना है कि ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन कब बनेगा, जब x के सारे नंबर्स की इमेज एग्जिस्ट करेगी, क्लियर दैट। तो यहाँ पे बाकी जितने नंबर बच जाते हैं, माइनस वन से पहले वाले सारे नेगेटिव नंबर, वन के बाद वाले सारे पॉजिटिव रियल नंबर, उनकी इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे बताना क्या है, अच्छा एक चीज और नोट करना, ये मैंने जनरल आपको बता दिया पूरा का पूरा, आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया है कि आपके पास डोमेन क्या है भाई, फॉर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये बोल रहा है कि वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन वन, यानी कि आपको जो ये मैंने पूरा जनरली रियल लाइन के लिए बता दिया मैंने, है ना, पूरी रियल लाइन के लिए, बट आपको ऐसे नहीं करना इसको, खैर प्रोसीजर तो ये रहेगा, सॉल्व आपको ऐसे ही करना है,
कि x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रही है और मुझे डोमेन क्या लेकर चलनी है, मुझे वन से लेस, यानी कि बाद के नंबर हमें इंक्लूड नहीं करने, सिर्फ इसे ऊपर ऊपर के नंबर्स के लिए बताना है, ठीक है। यानी ये वाले नंबर नहीं जाएंगे इसके अंदर, ये वाले नंबर नहीं जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे जो मेरे पास x है ना, इसमें क्या है, x लेस देन वन, वो सारे रियल नंबर जो वन से लेस है, वन से लेस यानी कि वन से लेस अगर मैं कहूँ तो मैं अगर इंटीजर्स भी ले लेती हूँ, वैसे तो देखो पूरे के पूरे हमारे पास नंबर वन पॉजिटिव, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड अप टू सेवन, ऐसे समझ में आ गए। तो मुझे इसके बाद के नंबर नहीं लेने अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन वन है, ओके। अब आप देखिएगा वाई के पास जो इसकी जो वैल्यू आएगी, वाई की जो वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू एक्स निकालोगे, अगर मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो y मुझे क्या देगा, 0 देगा। अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ, x को मैंने 0 लिया तो y मुझे 1 वैल्यू देगा। तो इस टाइप से इनकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है, माइनस 1 पुट करूँगी तो भी मुझे 0 वैल्यू देगा। ये हमारे पास है 0 पे 1 आया ना, हाँ जी, और यहाँ पे 0, माइनस 1 की वैल्यू भी मेरे पास क्या आएगी, अगर माइनस वन पुट करूंगी तो भी मुझे 0 मिलेगा, है ना। बट इसके बाद के जितने भी नंबर आ जाएंगे ना, इससे ऊपर जितने नेगेटिव नंबर रहेंगे, इनकी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये फंक्शन डिफाइन जब होगा जब x की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है। अगर माइनस वन से ऊपर आप जाइएगा, यानी कि पीछे की साइड आप जाइएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, उसके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसके पास जितने भी नंबर्स हैं, ये इधर हमारे पास ऐसे एलिमेंट बच सकते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे, बट यहाँ पे इतने सारे नंबर मेरे पास बच जाते हैं जिनकी इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन एज नंबर्स एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन, ग्रेटर देन माइनस वन के लिए तो है, बट एक्स लेस देन इक्वल्स टू लेस देन माइनस वन देयर इज नो इमेज इन वाई, इनकी कोई इमेज ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो पहले एक कंडीशन जो हमारी होती है कि x से कोई भी नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी इमेज एग्जिस्ट करे, वही कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में y इक्वल्स टू रूट एक्स फॉर ऑल x पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट मेरे पास है, क्या कहता है, y इक्वल्स टू रूट एक्स x ग्रेटर देन 0, यानी कि डोमेन में जो आपके पास नंबर रहेंगे ना, यहाँ पे डोमेन में x हो गया, ये y हो गया, तो इसमें जो नंबर है वो 0 से बड़े हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू 100, ठीक है। इधर आप देखिएगा y इक्वल्स टू रूट एक्स, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, क्योंकि देखिए ये जो वैल्यू है ना, y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी x पर, रूट आया हुआ है, सो y इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, और यही आपके पास डोमेन है, यानी कि आप कोई भी नंबर पुट कर लो आपको y रियल वैल्यू देगा, यानी हर एक नंबर की इमेज यहाँ पे आपकी एग्जिस्ट करेगी, ऑल रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं ना। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 के बाद जितने भी रियल नंबर, ये तो मैंने क्या लिखे हैं, इंटीजर्स लिख दिए, बट इनके बीच के भी तो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स इनके बीच के भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं अंडर अप टू 100, क्लियर दैट। सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 y गिव्स अ रियल वैल्यू, सो every element of x has unique image in y, x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, x को 0 पुट करोगे y 0 देगा, x 1 पुट करोगे y की वैल्यू 1 आएगी, 2 पुट करोगे तो रूट 2 की वैल्यू आएगी, 3 पुट करोगे रूट 3 की वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में चलोगे तो पॉइंट्स में आएंगे ना, यानी हमें सिर्फ इनमें ये हमें एक एक पॉइंट की वैल्यू नहीं बताएंगे, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास y डिफाइन होना चाहिए
मतलब वाइड डिफाइन होने का मतलब है कि आप इन सब की जो हो इमेजेस बता सकते हो कि इन सब की इमेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, ऐसा यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचेगा जिसकी जिसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ और मुझे वाई वैल्यू कुछ दे ही ना, या कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में था कि एक्स की वैल्यू सिर्फ आप माइनस वन से वन के बीच में लाइक यहाँ पे इनके बीच में ही आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाहर माइनस वन से इधर जाओगे, वन से उधर तो जाना ही नहीं था अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, तो माइनस वन से जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वाई वहां पे वैल्यू देगा ही नहीं, उनकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन हमारा बन गया। सो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट इज वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, y equals to minus x for all x belongs to real number, x belongs to real number मतलब आपके पास डोमेन क्या है, all real number, all real number पूरी रियल लाइन, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ओके। अब देख लेते क्या हर एक नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आप देखो for all x belongs to real number y gives also a real value, y भी क्या कर रहा है, एक real value आपको देगा। आप कोई भी value यहाँ पे put करो, कोई भी real value put करो, यहाँ पे y भी आपको real value भी देगा। तो हर एक number की image exist करेगी y में, है ना। तो यहाँ पे आप बताओगे yes it is a function because every value of x we can find corresponding value of y. It is a function because every value of x for every value of x there exist corresponding value in y, yeah of y in y मतलब हम यहाँ पे डोमेन की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिखो ऑफ y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x की हर एक वैल्यू पे, ठीक है, x belongs to real, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, फोर्थ पार्ट है y divide by, sorry, y equals to x minus 1, 1 minus x minus 1 for all x greater than equals to 0, x greater than equals to 0, देखिएगा अगर एक नंबर पर भी फेल होगी ना कंडीशन तो फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, जीरो वन टू थ्री या तो सॉन, ये इंटीजर्स मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। इसका मतलब है कि हर एक रियल नंबर जो जीरो के इक्वल है जीरो से ग्रेटर है, मतलब पॉइंट्स जो हम पॉइंट्स में लेते हैं ना नंबर वो भी आएंगे यहाँ पे, है ना। तो समझ गए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वे आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से बड़े सारे रियल नंबर जीरो के इक्वल। अब देखो जीरो के जीरो भी है, वन भी है, टू भी है, ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे वन पे देखिए क्या वन की इमेज एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं एक्स को वन पुट करूँ, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, तो वाई मुझे क्या वैल्यू देगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। मतलब वन पर तो मेरी इमेज एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, वन तो मेरा खाली रह गया इधर, समझ आया ना, वन की इमेज एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्यों, क्योंकि वन पर हमारा वाई जो वैल्यू है वो देगा ही नहीं, वाई डिफाइन ही नहीं हो रहा है। सो हेयर वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स माइनस वन वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो इज नॉट अ फंक्शन एज फॉर एक्स इक्वल्स टू वन वाई इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, वाई जो डिफाइन ही नहीं होगा, या आप बता सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू वन हैज नो इमेज इन वाई, कैसे भी आप लिख सकते हो, वो अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बेसिकली हमें ये समझना है कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये वन पर डिफाइंड नहीं है, वन पर डिफाइंड नहीं है, मतलब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लेती हूं तो इसकी इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, समझ में आया। x को 0 पुट करोगे आपको रियल वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0 किसी किसी के साथ जरूर कनेक्ट होगी, यहां पे किसके साथ कनेक्ट होगी, अगर मैं यहां पे 0 पुट करूं तो -1 के साथ कनेक्ट हो जाएगी, है ना। अगर मैं 2 लेती हूं, अगर मैं 1 नहीं लेती हूँ, 1 पर तो ये इन्फिनिटी देगा, तो 1 की तो इमेज होगी नहीं, 2 लेती हूँ, सो ये 2 1 के साथ कनेक्ट करेगा,
तो हर एक नंबर कनेक्ट करेगा, सिर्फ वन कनेक्ट नहीं कर रहा, और एक भी अगर खाली नंबर बच गया ना एक्स में, एक भी नंबर की इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, तो फंक्शन नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप से आपको इनको चेकआउट करना है फंक्शंस को, कि कब हमारा फंक्शन बनता है कब नहीं बनता है। ये कंप्लीट जो सिलेबस है या MD यूनिवर्सिटी का या फिर अदर जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, आपके एलजब्रा के साथ आपका कोई अदर कंटेंट है तो सभी कंटेंट न्यूरामैस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम वहां पर कोर्सेज अनरोल कर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकता है। सभी क्लासेस हम रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम अनरोल करे, एग्जाम के जस्ट पहले, जस्ट बाद, जैसे भी। एग्जाम के जस्ट बाद का मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप जैसे एग्जाम होते हैं आप कोर्सेज को अनरोल कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो, ठीक है, और अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। सो कोई भी कोर्स BA, BSc, माइनर, मेजर कोर्सेज किसी भी यूनिवर्सिटी का आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप कॉल कर सकते हैं या नोट कर सकते हो 8053633433। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।